देशी धरती से मेरी मुराद है पाकिस्तान से। ये बैरियर चेक पोस्ट है जहाँ नजर आ रहा होगा श्री करतारपुर। की चक्कर है, हमें ये $100 मिले हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है गो प्लेसेस विद सुख मनिंदर। दोस्तों, आज का व्लॉग इसलिए स्पेशल है क्योंकि इस व्लॉग का ज़्यादातर भाग जो है वो विदेशी धरती पे शूट होने वाला है, और विदेशी धरती से मेरी मुराद है पाकिस्तान से। अगर आपने थंबनेल को ध्यान से पढ़ा हो तो आप समझ गए होंगे कि आज हम दर्शन करने जा रहे हैं उस पावन स्थान के जहाँ पर सिख धर्म के बानी गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के आखिरी 18 वर्ष बिताए थे, और वो स्थान है श्री करतारपुर साहिब जो पाकिस्तान में है। इस वक्त बज चुके हैं 7, तो बिना देरी किए हुए अभी हम चलते हैं क्योंकि हमें यहाँ से 1 से 1.25 घंटा लग जाएगा वहाँ तक पहुँचने में, तो बाकी बातें रास्ते में होंगी, तो लेट्स गो। जो लोग पाकिस्तान में स्थित गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब की यात्रा करना चाहते हैं और जिन्हें कोई आइडिया नहीं है कि उस यात्रा के लिए कैसे परमिशन लेना है, तो उनके लिए मैं बताता चलूँ कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पर जाके, जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है, वहाँ पर जाकर आपको एक डिजिटल फॉर्म भरना होता है। उसमें आप अपनी पर्सनल डिटेल्स भरेंगे, उसके बाद अपनी एक पासपोर्ट फ़ोटो और पासपोर्ट के फ्रंट पेज और लास्ट पेज की फ़ोटो अपलोड करेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। आपको एक फ़ाइल नंबर इशू कर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगी, और 3rd वीक में आपको उसी वेबसाइट पे जाकर अपना स्टेटस चेक करना है। वो फ़ाइल नंबर डालनी है, पासपोर्ट नंबर डालना है, और आपका स्टेटस वहाँ शो हो जाएगा। अगर तो आपका ETA इशू हो चुका हुआ, ETA मीन्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथोराइजेशन, एक तरह का परमिशन लेटर है जिसके ज़रिए आप ये यात्रा करेंगे, अगर वो ETA इशू हो चुका हुआ तो वहाँ पर डाउनलोड की ऑप्शन आ जाएगी और आप डाउनलोड करके उसका प्रिंट ले लेंगे। अगर नहीं आई तो आपको फिर दोबारा से वेट करना पड़ेगा। आप उसको टाइम टू टाइम चेक कर सकते हैं। जब भी आपका ETA रिलीज़ होगा तो फिर आपको वहाँ पर डाउनलोड की ऑप्शन जो है वो मिल जाएगी। ये यात्रा शुरू करने से पहले आप कुछ और चीज़ों का भी ध्यान ज़रूर रखिएगा। इस यात्रा में आपको अपने साथ अपना पासपोर्ट कैरी करना है, ETA कैरी करना है। ETA मीन्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथोराइजेशन, जिसके बारे में पहले मैं आपको बता चुका हूँ। उसके साथ साथ आपने कोविड टेस्ट करवा के उसकी नेगेटिव रिपोर्ट भी अपने साथ कैरी करनी है। जी सर, सत श्री अकाल जी। कॉरिडोर, हाँ जी, पासपोर्ट, ETA, हाँ है सर। कोविड टेस्ट रिपोर्ट है ना? कोविड टेस्ट तो नहीं है, उसका तो उसमें मेंशन नहीं था कुछ। वो आरोग्य सेतु ऐप दिखा देंगे उसमें शो। नहीं, वो तो आपने जो वैक्सीनेशन कराया होगा उसका होगा ना? हाँ। नहीं, उसमें वो डिटेक्ट भी तो हो जाता है ना। तो आपने अभी 72 आवर्स पहले के बैक का वो RT-PCR टेस्ट, लेकिन वो था नहीं ना कुछ मेंशन, तो हमने वीडियोस भी देखे, वेबसाइट पे भी देखा, वहाँ पर कोई मेंशन नहीं। आप अंदर जाके बात कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से, चलिए फिर अंदर जाके पूछ लेंगे अभी। अच्छा, मेरे ख्याल 4-5 गाड़ियाँ वापस किया है, 4-5 गाड़ी रिटर्न हुई, वापस आई है। नहीं तो वहाँ नहीं होता है मौके पे। नहीं नहीं, चलिए पूछ लेते हैं, अब आए हैं इतनी दूर तो फिर पूछ लेते हैं, तो हो भी जाएगा। हाँ, बाहर सिविल हॉस्पिटल है, वहाँ यहाँ टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप 10 मिनट में करा के आ सकते हैं, इसलिए एक बार इंक्वायर कर लेते हैं। चले जाएं अभी? अभी वेट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक खास अपडेट दे दूँ कि जब हम एंट्री के लिए पहुँचे करतारपुर कॉरिडोर पर, तो वहाँ से हमें वापस भेज दिया गया क्योंकि हमारे पास कोविड टेस्ट रिपोर्ट नहीं थी। तो जो ETA था उसमें कुछ मेंशन नहीं था, इसलिए हमने करवाया नहीं, लेकिन हमें वहाँ से वापस भेजा गया कोविड टेस्ट करवाने के लिए। तो हम कोविड टेस्ट करवाने के लिए यहाँ नज़दीक ही डेरा बाबा नानक के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में आए, जहाँ पर हमारा कोविड टेस्ट किया गया, रैपिड टेस्ट, और हमें जल्दी ही रिपोर्ट मिल गई। ये रही वो रिपोर्ट जो हमें यहाँ से मिली है, नेगेटिव रिपोर्ट। इसी के बेस पर अब हमें आ गया, अंदर आम जाने दिया जाएगा। इस यात्रा में आप 7 kg पर पर्सन वेट कैरी कर सकते हैं, जिसमें वाटर बॉटल भी इंक्लूड कर सकते हैं आप। 9,000 rupees पर पर्सन आप कैरी कर सकते हैं, साथ में इंडियन करेंसी। उसके साथ आपको $20 कैरी करने होंगे पर पर्सन, वो फीस है जो आपको
पाकिस्तान में एंटर होने के बाद पे करनी होती है। ये US डॉलर्स आप इंडियन टर्मिनल में लगे बैंक के काउंटर से भी बाय कर सकते हैं और इन $20 की कीमत भारतीय करेंसी में लगभग 1700 रुपये बनती है। सो अभी हम बैरियर चेक पोस्ट से री एंटर होने जा रहे हैं कोविड टेस्ट करवाने के बाद। नेगेटिव रिपोर्ट हमें मिल गई है तो आई होप कि अब हमें आगे कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी। हाँ, यहाँ पर जो मिलिट्री पर्सोनल डिप्लॉय थे उन्होंने काफ़ी हेल्प की, एग्जैक्ट लोकेशन हमें बताई कि कहाँ से आप टेस्ट करवा सकते हैं, तो वो हमारे लिए काफ़ी कन्वीनियंट रहा। यहाँ पे कुछ गाड़ियों को रोक लिया गया है क्योंकि आगे वहाँ पे गाड़ियाँ चेक होती हैं मेन एंट्री पे, तो वहाँ पे क्लियर होगा तभी इन गाड़ियों को आगे जाने दिया जाएगा। तो अभी ग्रीन सिग्नल मिल गया है गाड़ियों को आगे जाने का, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि सभी को जाने दिया जाएगा। तो अभी दोबारा से कुछ गाड़ियों को रोक लिया है। तो वो जो एंट्री गेट है वहाँ पर गाड़ियों की चेकिंग होती है और फिर आगे जाने दिया जाता है, और वो मुझे लगता है कि जो है वो टर्मिनल है जहाँ पर इमिग्रेशन चेक होगा, बाकी अंदर जाके पता लगेगा एग्जैक्टली। सो अभी हम कतार में हैं। सो ये बैरियर चेक पोस्ट है जहाँ पर पहली बार रोका जाता है। जब आगे से एंट्री पे गाड़ियाँ क्लियर हो जाती हैं तब यहाँ से 3-4 गाड़ियों को आगे जाने दिया जाता है। सो चेक की जा रही है गाड़ी स्निफर डॉग के साथ। एक और डॉग है, इन्होंने स्टे डॉग रखा हुआ है, मुझे लगता है बारी बारी से करवाते हैं। सो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ पूरा टर्मिनल। ये सामने स्टैचूज बने हुए हैं जिसमें लंगर छकाने का दृश्य दिखाया गया है। ये पूरी टर्मिनल की बिल्डिंग है जहाँ पर इमिग्रेशन चेक होगा। वो सामने आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर ICT डेरा बाबा नानक गुरदासपुर। आगे मिलिट्री पर्सनल खड़े हैं जो डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, फिर हमें आगे दुनिया जाने दिया जाएगा। सो दोस्तों अभी हम एंटर करने जा रहे हैं टर्मिनल पे और आपको पूरी ऐसी ही फीलिंग आएगी जैसे आप किसी विदेश यात्रा पे जा रहे हैं। टर्मिनल में वैक्सीनेशन सेंटर भी बना हुआ है, अगर आपको वैक्सीन नहीं लगी है तो वैक्सीन लगवा सकते हैं। यहाँ पर आपको पोलियो की बूंदें भी पिलाई जाती हैं और यहाँ पर दो बैंक्स के एक्सचेंज काउंटर भी हैं जहाँ से आप $20 एक्सचेंज जो है वो ले सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक टिप दूँ, अगर आपने डॉलर्स एक्सचेंज नहीं किए हैं तो यहीं पर डॉलर एक्सचेंज करवा लें। अगर आप पाकिस्तान में एंटर होकर डॉलर्स बाय करेंगे तो वो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। यहाँ पे पोलियो ड्रॉप्स की पिलाई जाती है। मेरा पासपोर्ट
यहाँ पर हमने करेंसी एक्सचेंज की है, हमें $100 मिले हैं। 100 हमें वैसे हमें 80 चाहिए थे, लेकिन उनके पास 100-100 डॉलर के ही नोट हैं, तो हमें 100 ही लेना पड़ा। और हमें ये डॉलर पड़ा है 83.90 रुपीज़ का। सो यहाँ पर बैगेज चेक होगा, बैगेज स्कैन होगा, जो भी हमारे पास होगा। सो वेलकम ड्रिंक सर्व किया जा रहा है, पी है। सो बहुत थॉरो चेकिंग हुई वहाँ पे, एक एक चीज़ जो है वो बड़ी बारीकी से जांची उन्होंने, इवन कैमराज तक को उन्होंने कहा कि ऑन करके दिखाओ। सो इतनी ज़्यादा जो है फाइन सिक्योरिटी है यहाँ पे। सो अभी हमारा इमिग्रेशन चेक हो गया, तो इंडियन साइड से हम बाहर आ रहे हैं। सो काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे हमें मिली हैं, तो हमें उसको इन स्पिरिट फॉलो करना है। तो मैं बताऊँगा क्या क्या इंस्ट्रक्शंस मिली हैं। ये सामने गोल्फ कार्ट जो है वो लगा हुआ है, जिसमें बैठकर हम आगे जाएंगे। सवारियां बह गई हैं। सो हम सवार हो गए हैं सारे इस गोल्फ कार्ट में, ई रिक्शा में। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि आपको अपना पासपोर्ट, ETA और कोविड टेस्ट रिपोर्ट हैंडी रखना है। तब तक हैंडी रखना है जब तक आप पाकिस्तान इमिग्रेशन चेक क्लियर नहीं कर जाते। सो दोस्तों, इस गेट के पार है पाकिस्तान। सो दोस्तों, ये है वो वाइट रेड क्लिफ लाइन जो भारत और पाकिस्तान को दो भागों में बांटती है। सो अभी इस लाइन को क्रॉस करके हम पाकिस्तान में दाखिल होने वाले हैं। सो ये हो गए हम पाकिस्तान में दाखिल।